प्रदेश की अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में स्कूलों को खोले जाने को लेकर चर्चा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव विनोद कृष्ण, डिप्टी डायरेक्टर रेखा दिवाकर, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति की समीक्षा की तथा विद्यालयों को खोलने के संबंध में चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रॉपर विद्यालय में सर हाथ धोने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बोतल लाने के लिए सर निर्देश होंगे कि 100% बच्चे अपने घर से बोतल लेके आएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने सर विचार किया था कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन प्राइवेट स्कूल्स में अभी हमको सर ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरह से सर लखनऊ जिले में बच्चों को टेम्पू और छोटी वैन वगैरह गाड़ी में सर जैसे प्रवेश रहेगा तो कोई बाहर का व्यक्ति सर एंट्री नहीं करेगा किसी भी कीमत पर बिना प्रायर परमिशन प्रिंसिपल के, और जब बच्चा एंट्री करेगा तो प्रॉपर्ली सैनिटाइज होकर अंदर जाएगा, इंटरवल होगा तो इंटरवल में वो दूरी बना के खाना खाएगा। इसलिए आपने जो सुझाव किए हैं और चर्चा की है उसमें से एक पॉइंट आप देख लीजिए, सैनिटाइजेशन पैनल की इफेक्टिवनेस इज नॉट प्रूवन और WHO भी इसमें कहता है कि वो यूज करना बहुत बेनिफिशियल नहीं होता, इनफैक्ट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी स्किन पर हो सकते हैं। तो सैनिटाइजेशन पैनल की आवश्यकता मेरे मन से तो नहीं होगी, बाकी मैडम आएंगी उसकी चर्चा कर लें। समस्त प्रदेश से आपने कुछ इसका अध्ययन किया होगा, तैयार किया होगा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप बताएं। शुरू किए जाते हैं सर, तो हम लोगों का वैसे तो वही मुख्य चुनाव मुख्य तो बिंदु है लोकाजी में चलाने के साथ साथ सर, क्योंकि बच्चों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए क्योंकि सर इसमें एक तो हमने किया है इसमें सर, क्योंकि मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी सर। तो मुख्य बात सर इसमें कि जो हम सेवर टीचर्स को रख रहे हैं उनके स्थान पे हम लोग यदि BA PG कोई यंग चेक मिले यंग मिल जाए तो उनको अगर डिप्लॉय किया जाए तो जो हमारा एक वो पार्ट है कि जैसे एज ओल्ड एज वाला, क्योंकि एक तो ये मैन पावर जैसे विचार भी किया तो बात यही आ रही है सर कि दो बातें हैं मुख्य रूप से, एक तो ये है कि विद्यालय खोला जाना चाहिए अभी या रुक करके खोला जाना चाहिए, दूसरा ये है कि अगर खोला जाता है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रहेगा। और भी बीमारियां वेक्टर जनित बीमारियां और संचारी रोग दुनिया भर की चीज़ें इस समय आती हैं, तो ऐसे में अभी विद्यालय खोलना किसी भी प्रकार से लोगों के दिमाग में यही मुनासिब नहीं है, इसके लिए प्रिंसिपल भी अभी नहीं तैयार हो रहे हैं, गार्जियन भी अभी बहुत तैयार नहीं है, तो सर इस पर विचार कर लिया जाना चाहिए। और वैसे भी सर भारत सरकार ने भी कहा था कि 15 अगस्त के बाद ही टीचर विद्यालय खोले जा सकेंगे, तो मेरे विचार से सर 10-15 गुरुपुर प्लीज 15 अगस्त कहीं से कोई गलत भ्रांति है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मैडम, लेकिन मेरा इसको ये माननीय मंत्री